मुंबई में रहने वाली एक युवती ने इंदौर पुलिस से अपनी सुरक्षा की मांग की। उस युवती ने बताया वो सुशांत सिंह को काफी समय से जानती है और उसके केस के बारे में उनके पास कई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं और वो वर्तमान में इंदौर में रहना चाहती है और अपनी सुरक्षा की मांग पुलिस से की है, क्योंकि सुशांत केस के बारे में उनके पास कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो समय आने पर वो आंकुश के सामने पेश करेगी। फिलहाल इंदौर पुलिस ने भी युवती आश्वस्त किया है कि उनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी इंदौर पुलिस की हर और संबंधित थाने को भी सूचित कर दिया है कि युवती की सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जाए। सुशांत की फ्रेंड ने इंदौर पुलिस से सुरक्षा मांगी है, क्या ऐसा ही हुआ? एक आवेदिका जो कि मुंबई से आई थी, उनका कहना था कि वो मुंबई में सुशांत सिंह को काफी लंबे समय से जानती हैं और उस केस के बारे में उनके पास कई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। वो वर्तमान में चूंकि यहां रहना चाहती हैं, इसलिए उन्हें कुछ सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं हैं, उस संबंध में उन्होंने जानकारियां दी। पुलिस ने उन्हें आश्वस्त किया कि उन्हें पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। संबंधित थाने को, संबंधित अधिकारियों को बताया गया, उनका नंबर दिया गया कि उन्हें तत्काल अगर कोई भी जरूरत हो पुलिस तत्काल उनकी मदद करेगी। साथ ही उधर की जो पुलिस की जो पेट्रोलिंग व्हीकल्स हैं, जो डायल 100 हैं, उनको भी उनके बारे में अवगत कराया गया। तो सुरक्षा संबंधी कोई समस्या नहीं है। और जहां तक उनके साक्ष की बात है तो वो साक्ष अपने निश्चित फोरम पर जहां जरूरत होगी उन साक्ष्यों को अपने स्तर पर प्रस्तुत करेंगे। सर, मुंबई से यहां पर आने की वजह उसमें कुछ उन्होंने मेंशन किया आवेदन में, क्या उन्होंने कहा है, क्या चीज़ है? वहां पे उन्होंने बताया कि वो यहां रहना चाहती हैं क्योंकि उनके पास कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं और इस संबंध में उन्होंने एक स्थानीय स्तर पर सूचना। सर, ये पूरे मामले में विक्टिम विक्टिम है क्या है? इस मामले में विक्टिम है क्या? पूरे मामले में इनका कहना था कि मेरे पास कोई कई महत्वपूर्ण सुराग हैं और उन साक्ष्यों को महत्वपूर्ण मोर्चे जो महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म्स होंगे जहां पर उनसे पूछा गया है पहले बता चुकी हैं और आगे जहां पूछा जाएगा उससे संबंधित जानकारी को तथ्यों के साथ प्रस्तुत करेंगे और इस संबंध में तब तक वो यहां रहेंगी और रहने के साथ ही उन कुछ जो भी स्थानीय सुरक्षा की बात होगी तो सुरक्षा संबंधी मुद्दों के बारे में पुलिस ने उन्हें आश्वस्त किया है कि सुरक्षा संबंधी कोई मुद्दा नहीं उठेगा और यहां पूर्णतः वो सुरक्षित है। सर, क्या पुलिसकर्मी एक जवान वगैरह उनके साथ रहेगा? उनके घर के और जहां आसपास उसमें स्थानीय थाने को और स्थानीय अधिकारियों को बताया गया है वहां पे जो आवश्यकता अनुसार उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाएगी। सर, सीसीटीवी फुटेज से भी घर पे निगरानी रखी जाएगी, स्मार्ट पुलिसिंग होगी? हाँ, उन्हें इस बात के लिए बताया गया कि एक सीसीटीवी फुटेज भी लगा। सीसीटीवी भी रखना आज कल सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है और मुझे लगता है कि शायद उन्होंने उसका भी जरूर पालन किया होगा। बहरहाल पुलिस पूरी तरह से उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगी और उनके पास जो भी साक्ष्य हैं उन्हें बताया गया कि उपयुक्त मुद्दों पर जो भी मंच हैं उन मंचों पर उन साक्ष्यों को रखें। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।